गुड मॉर्निंग माई ऑल डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन. माई सेल्फ नेहा तिवारी एंड टूडे आई विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट. ओके, जैसा कि स्टूडेंट्स आज के क्लास में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट वाला टॉपिक पूरा डिटेल कवर करेंगे. इसके पहले के क्लासेस में हम लोगों ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट, कहने का मतलब हृदय का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोगों ने कवर किया था. अगर बात करें हम लोग द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट की, तो उसमें हम लोगों ने हर्ट की कवरिंग के बारे में, हर्ट की वॉल्स के बारे में पूरा डिटेल कवर किया था कि जो हर्ट की वॉल्स होती हैं, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, वो आपके हर्ट जो कि आपका क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गेंस है, तो आपके उस हर्ट को जो कि मस्कुलर ऑर्गेंस है उसको प्रोटेक्शन का काम करती है. कौन? जो हर्ट वॉल्स होती है उसको प्रोटेक्टेड करती है, हर्ट वॉल्स या हर्ट मेम्ब्रेन. तो हम लोग थोड़ा बैक पोर्शन अपना क्विक रिवाइज कर लेते हैं, देन आई विल प्रोसीड अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट, हृदय की आंतरिक संरचना. आज हम लोगों का यही टॉपिक है, ठीक है? तो थोड़ा बैक पोर्शन हम लोग अपना देख लेते हैं स्टूडेंट्स. तो हमने आपको क्या बताया था कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा था, द वॉल्स ऑफ, या जिसको हम लोग मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन्स, द वॉल्स ऑफ हर्ट. द वॉल्स ऑफ हर्ट इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम. ओके, हम लोगों ने देखा था कि जो द वॉल्स ऑफ हर्ट होता है, ये द मेम्ब्रेन्स ऑफ हर्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पेरिकार्डियम कहते हैं. ये आपके हर्ट को कवरिंग करती है, ठीक है ना, आपके हर्ट को कवर्ड किए हुए रहती है. आपका हर्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गेंस है, तो उस मस्कुलर ऑर्गेंस की बहुत ही बाहर से बहुत ही टफ कवरिंग होती है, फाइबर्स की बनी हुई, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम. चलो हम लोग इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. वैसे तो हमने इस टॉपिक को अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट डोंट वरी अबाउट इट. जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल्स पे, जो आज ही हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम स्पेशली अपना रिवाइज कर रहे हैं, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनका भी रिविजन क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं पेरिकार्डियम. आपको बताया गया था जो पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम, इसकी मेनली दो लेयर्स होती हैं. आई टोल्ड यू अबाउट द पेरिकार्डियम हैव मेनली टू लेयर्स. द फर्स्ट लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम इज आल्सो नोन एज फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम. ओके, पहली बात तो ये हुई थी. एंड द सेकेंड लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज आल्सो नोन एज सीरस पेरिकार्डियम. सेकेंड बात किसके बारे में हुई थी स्टूडेंट्स, सीरस पेरिकार्डियम के बारे में. ओके, नेक्स्ट, सीरस पेरिकार्डियम अगेन हैव मेनली टू लेयर्स. सीरस पेरिकार्डियम का फिर से टू लेयर्स होती हैं स्टूडेंट्स. आपको बताया गया था कौन कौन से, जो पहली लेयर्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम. ओके, एंड नेक्स्ट आपको क्या बताया गया था, विसीरल सीरस पेरिकार्डियम, विसीरल सीरस पेरिकार्डियम. ओके, ये आपको बताया गया था. फिर आपको ये बताया गया था जो आपका पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम है एंड विसीरल सीरस पेरिकार्डियम है, इनके बीच में कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, कुछ लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, याद करो बताया था ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड. क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड. चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स, ठीक है? इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, इन दोनों वॉल्स के बीच में, आपके जो हार्ट के ये दोनों वॉल्स है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोले थे स्टूडेंट्स, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स बोला था.
फिर हमने बताया था आपको स्टूडेंट्स कि ये तो आपका जो पहला वॉल्स है, अभी तक आपने जो भी देखा हार्ट की वॉल्स, ये सब क्या है? ये इतनी जो वॉल्स है वो आपके हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है। अभी ये हार्ट के क्या है, हार्ट से आपकी है तो आपकी हार्ट की वॉल्स ही है, हार्ट के सबसे आउटर कवरिंग है, हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है। हार्ट आपका क्या है, मस्कुलर ऑर्गन्स है, लेकिन आपका जो मस्कुलर ऑर्गन्स है उसकी जो कवरिंग है वो दो बेस पे है, एक तो जो हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है और एक जो हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो ये सारी जितनी भी वॉल्स है स्टूडेंट्स, वो आपके हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है। अब जो हम आपको वॉल्स के बारे में बता रहे हैं, सेकेंड स्टूडेंट्स, हार्ट वॉल्स, पहला तो ये हो गया आपके हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में कौन सी वॉल्स है, तो वो है स्टूडेंट्स आपका विसीरल सीरस पेरिकार्डियम। आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज विसीरल। विसीरल इज कंटेन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। विसीरल किससे कंटेन होता है, इंटरनल ऑर्गन से कंटेन होता है। आई टोल्ड यू अबाउट ऑलरेडी ऑन दिस पॉइंट व्हाट इज विसीरल। ओके, तो विसीरल सीरस पेरिकार्डियम, यहीं से आपका ये आपके हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, जो विसीरल सीरस पेरिकार्डियम है, यहाँ पे लिख लो आप लोग, विच इज डायरेक्टली, विच इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट इन योर हार्ट, कॉन्टेक्ट इन योर हार्ट, यही आपके हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहता है। वैसे भी विसीरल का मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स होता है, इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, इंटरनल ऑर्गन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम लोगों ने अगर फिर हार्ट वॉल्स की बात करें, हार्ट वॉल, अब जो हम लोग हार्ट वॉल्स की बात करेंगे, ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है आपके किसके, हार्ट से, आपके हार्ट से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है। अब जो हार्ट वॉल्स की बात होगी, जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में स्टूडेंट्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो विसीरल है इसी को आल्सो कॉल्ड, यहाँ पे लिख लो, आल्सो कॉल्ड एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। ओके, दिस इज रियली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ये आपको सब कुछ एकदम मोस्ट चीजें बताई जा रही है, तो आप इसको मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, ठीक है, आप इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि जो भी आपको बताया जा रहा है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पूरा निचोड़ हम बता रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना, ये आपका सारा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो एपिकार्डियम, देखो विसीरल सीरस पेरिकार्डियल का, विसीरल सीरस पेरिकार्डियम आपका क्या डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहता है आपके हार्ट के, इसी को ही हम लोग कहते हैं क्या, एपिकार्डियम। तो हार्ट वॉल्स जो होती है, फिर इसकी मेनली अगेंस्ट अगर हम लोग बात करें तो तीन लेयर्स होती हैं जो कि हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है। तो जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में, सबसे पहले तो आपका हो गया एपिकार्डियम, एपिकार्डियम ये बात हुई थी, और सेकेंड आपका क्या था, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, एंड थर्ड आपका क्या बताया गया था स्टूडेंट्स, इंडोकार्डियम, इंडो कार्डियम। ओके, अगर हम लोग बात कर ले कि एपिकार्डियम जो है वो किसकी बनी हुई होती है, याद करो बताया गया था स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथीलियल, एपिथीलियल टिश्यू का। ओके, एंड ये भी आपका किसका बना हुआ होता है, जो इंडोकार्डियम है, ये भी लाइनिंग होती है किसकी, स्क्वैमस, दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स आप लोगों को, ओके दिख रहा है, स्क्वैमस एपिथीलियल, एपिथीलियल टिश्यू, ओके इसकी बनी होती है। और अगर हम लोग मायोकार्डियम की बात करें तो ये मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर, ये आपकी मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है ना, मस्कुलर लेयर। तो यहां तक की बात हो गई थी स्टूडेंट्स, ये आपके हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, हार्ट की मेम्ब्रेन्स के बारे में या हार्ट वॉल्स के बारे में, जो कि आपके हार्ट मस्कुलर ऑर्गन्स है उसको कवर किए रहती है। ओके,
तो आप लोग इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी हमने फ्लो चार्ट बनाया है। ये फ्लो चार्ट या जो हम लोग जो शॉर्टकट में आपको जो भी चीजें डिकोड करते हैं, आप कम समय में ज्यादा चीजें गेन कर सकते हो, ठीक है ना, डीपली गेन कर सकते हो। ओके, तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, देन आई विल प्रोसीड अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो कि आज का हम लोग का यही टॉपिक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, तो अब हम लोग अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम लोगों ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को रिवाइज कर लिया। अब हम लोग पूरा अच्छे से कवर करेंगे कि आपका हृदय की आंतरिक संरचना क्या होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको बताया गया था, हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होती है। चलो बना लें यहाँ पे। आप लोग भी हमारे साथ फिगर बनाते रहो। ये आपका हार्ट है और हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होता है। आई टोल्ड यू अबाउट द हार्ट हैव मेनली 4 चैम्बर्स। द अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एट्रियम एंड द लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। ओके, आपका हार्ट का जो 4 चैम्बर्स है उसमें मेनली जो ऊपर वाला चैम्बर्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम या एट्रिया कहते हैं, एंड जो लोअर वाला चैम्बर्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक की बात हुई थी। फिर आपको बताया गया था स्टूडेंट्स कि आपका जो हार्ट का लेफ्ट हैंड वाला साइड वाला, मतलब जो आपका बॉडी है, बॉडी का जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के साइड में प्रेजेंट जो हार्ट का पार्ट है उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड जो राइट साइड वाला है उसे क्या बोलेंगे, राइट ऊपर वाले पार्ट को राइट एट्रियम एंड नीचे वाले पार्ट को राइट वेंट्रिकल। ठीक है, क्या बताया स्टूडेंट्स कि ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रिया। ओके, एंड नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हुई थी हम लोगों की। फिर हमने आपको बताया था कि जो आपका हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स, इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कलेक्ट होता है, एंड कलेक्ट होने के बाद आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, और जो आपका राइट साइड वाला पार्ट होता है हार्ट का, उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर होता है, एंड इसका काम ये होता है स्टूडेंट्स कि ये आपके बॉडी के सारे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले पार्ट को कलेक्ट करके आपके बॉडी से रिमूव कर देना ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, आप लोगों के लिए हार्मफुल है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। ठीक, हमने क्या बताया, लेफ्ट एट्रिया, यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, लेफ्ट एट्रिया में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है ना, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, हम शॉर्टकट में लिखे स्टूडेंट्स, आप लोग समझ लेना। लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स यहाँ पे स्टोर होते हैं, एंड आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई किए जाते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये बताई गई थी। एंड थर्ड बात आपको ये बताई गई थी, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्योर ब्लड्स। ओके, देखो नॉर्मली वैसे ही आपसे कोई पर्सन पूछता ना कि आपके हार्ट में कौन से पार्ट में शुद्ध रक्त रहता है एंड कौन से पार्ट में अशुद्ध रक्त रहता है, तो आपके हार्ट में, आप सारे बच्चों को पता हो जाना चाहिए कि हार्ट के जो लेफ्ट वाले पार्ट है उसमें हमेशा
शुद्ध ब्लड ही स्टोर रहता है और आपके बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं। एंड जो आपका राइट वाला पार्ट होता है हार्ट का, उसमें हमेशा अशुद्ध ब्लड ही रहते हैं, डेट मीन्स इम्प्योर ब्लड, डेट इज आल्सो कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और ये स्टोर होने के बाद आपके रिस्पायरेशन सिस्टम्स के थ्रू जो है वो बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल का। अगर हम लोग बात करें राइट आर ए राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल की, तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड्स, ओके। एंड इसी को ही स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड। यहां तक की हम लोगों की बात हुई, ठीक है ना, क्लियर दिख रहा है कि नहीं सबको, ओके दिख रहा है, ठीक। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ये राइट वाला पार्ट हो गया। तो राइट वाले पार्ट को मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को और चीजें भी डिस्कस करना है, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको बताया गया कि इसमें ब्लड स्टोर होता है, ये जो आपका एट्रियम वाला पार्ट है ये ब्लड को पुश करता है, पुश करने के बाद जो है इसमें ब्लड कलेक्ट होता है, कलेक्ट होने के बाद ये ब्लड जो है आपके इस ब्लड वेसल्स के थ्रू और रिस्पायरेशन सिस्टम्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है, ठीक। तो अब जो स्टूडेंट्स ब्लड इसमें कलेक्ट हुआ है, तो ब्लड का आउटवर्ड मूवमेंट ना हो जाए, आउटवर्ड मूवमेंट का मतलब बैक मूवमेंट ना हो जाए। अब जैसे कि ब्लड इसने क्या किया, आपका जो ऊपर वाला पार्ट है एट्रियम, उसने पुश किया, और जैसे उसने पुश किया ब्लड आपका किसमें आ गया, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में जैसे ही आया, अब वेंट्रिकल में यहाँ इसके पास ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के थ्रू रिस्पायरेशन सिस्टम्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो ब्लड है वो फिर से रिटर्न हो जाए आपके एट्रियम में, वो फिर से आपके एट्रियम में ना रिटर्न हो जाए। अगर एट्रियम में आपको फिर से रिटर्न हो गया तब तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर से वो आपका ब्लड जो कि पुश किया गया एट्रियम के द्वारा, वो वेंट्रिकल में स्टोर हुआ, एंड वेंट्रिकल में ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो क्या होते हैं, रिस्पायरेशन सिस्टम में जाते हैं, रिस्पायरेशन सिस्टम में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेसिकली कहने का स्टूडेंट्स ये है कि आपका ब्लड का बैक मूवमेंट ना हो जाए, ना बैक मूवमेंट ना हो जाए, आउटवर्ड मूवमेंट ना हो जाए, फिर से वो वापस ना चला जाए आपके एट्रियम में। तो यहाँ पे कुछ डोर्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ डोर्स प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ये डोर्स प्रेजेंट होती हैं। इस डोर्स को बोलते हैं स्टूडेंट्स वॉल्व, क्या बोलते हैं, वॉल्व, वी ए एल वी ई, डोर। इस डोर्स को बोलते हैं वॉल्व, जो कि देख रहे हो तीन वॉल्व है, 1 2 3, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइट्रप्सिन। चलो यहाँ पे हम नेमिंग कर रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। पहली बात तो ये स्टूडेंट्स इंटरनल स्ट्रक्चर में, ओके तो यही वॉल्व जो है आपके लेफ्ट वाले पार्ट में भी प्रेजेंट है, क्योंकि भैया ये कंडीशन लेफ्ट में भी तो हो सकता है कि वही ब्लड्स जो है आपका कहीं बैक ना हो जाए लेफ्ट एट्रियम में। तो उस ब्लड्स को जो कि आपके लेफ्ट एट्रियम में बैक ना हो जाए, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होती है। बस डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे तीन वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे दो ही वॉल्व प्रेजेंट होती है, यहाँ पे दो ही वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक, यहाँ पे ये दो वॉल्व प्रेजेंट होती है। और यही वॉल्व्स जो है इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, ये वॉल्व्स जो है, यही वॉल्व हेल्प करती है कि ब्लड्स का आउटवर्ड मूवमेंट ना हो जाए, ब्लड्स का बैक मूवमेंट ना हो जाए एट्रियम में, ठीक है ना। तो इस वॉल्व को कहेंगे, जो कि यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन वॉल्व है तो इसको ट्राइकस्पिड कह दिया, अब यहाँ पे टू वॉल्व है तो इसको क्या कहेंगे, बाइकस्पिड। चलो लिख ले, इसको कहेंगे क्या, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, ओके, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व हो गया। चलो स्टूडेंट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो पहले,
तो स्टूडेंट्स हम लोगों की कहाँ तक बात हुई, अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया? कुछ नहीं बात किया, बस इतना बात किया कि जो हम लोगों की हार्ट है, हार्ट में जो ब्लड स्टोर होता है, कलेक्ट होता है, उसका आउटवर्ड या उसका बैकवर्ड मूवमेंट ना हो जाए। बैकवर्ड मूवमेंट का मतलब जो है आपका हार्ट जो है, हार्ट में जो फोर चैम्बर्स प्रेजेंट है, तो वो आपका वेंट्रिकल से फिर से एट्रियम में ना चला जाए। और यही बात आपके राइट वाले के लिए भी है एंड लेफ्ट वाले के लिए है। तो ब्लड्स का आउटवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट ना हो आपके एट्रियम में, तो उसके लिए आपके एट्रियम में डोर्स लगी होती है। देखिए ये डोर है, ये डोर्स लगी होती है, इन डोर्स को बोलते हैं स्टूडेंट्स वॉल्व। और ये जो वॉल्व है आपका जो हार्ट का राइट वाला पार्ट है उसमें तीन डोर होता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। एंड आपका जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें दो ही डोर होते हैं, तो इसलिए क्या कहेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। ठीक, यहाँ तक की बात हुई अभी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था कि जो आपकी हार्ट के वॉल्व्स हैं, आपको बताना कि आपका जो हार्ट है, हार्ट में आपके जो वॉल्व है, वॉल्व का मतलब समझ रहे, डब्ल्यू ए डबल एल वाला वॉल्व, मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो कवरिंग है, ये बाहर से कवर्ड होता है, बताया गया था। और ये जो अभी इसके पहले ही हमने आपको जब रिवाइज करवाया तो बताया था कि जो वॉल्व, जो मेम्ब्रेन या जो वॉल ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट, जो आपके हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, उसको हम लोगों ने क्या कहा था, विसीरल, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से, आपको ये बताया गया स्टूडेंट्स कि जो वॉल आपके हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है उसको हम लोगों ने क्या कहा था, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम कहा था ना अभी इसके पहले के लेक्चर्स में, यस, विसीरल सीरस पेरिकार्डियम कहा था, विसीरल सीरस पेरिकार्डियम को ही हम लोगों ने क्या कहा था स्टूडेंट्स, एपिकार्डियम। तो ये आपका एपिकार्डियम हो गया, ये आपका क्या हो गया, एपिकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम हो गया। और आपको बताया गया था कि एपिकार्डियम के बाद ना, एपिकार्डियम के बाद जो है आपका हार्ट की जो वॉल है, हार्ट की जो कवरिंग है, वो मस्कुलर लेयर की होती है। तो इसलिए, और जो मस्कुलर होती है स्टूडेंट्स, वो रफीज होती है, ऐसे होती है, अप डाउन ऐसे, स्मूथ ना होकर के रफीज होती है, मतलब अप डाउन, मतलब जैसे कि ऊपर नीचे, है ना, रफ सरफेस एरिया होता है। अब ये आपका क्या है, मस्कुलर लेयर है आपके हार्ट की वॉल की, या आपके हार्ट की मेम्ब्रेन्स की, जो कि हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आप जो मेम्ब्रेन हम लोग है वो देख रहे हैं, तो ये मस्कुलर लेयर की बनी हुई है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं, यहाँ पे लिख लें, ये मायोकार्डियम हो गया, मायोकार्डियम। ठीक, एंड देन स्टूडेंट्स आपको बताया गया था कि ये जो स्क्वैमस सेल्स की लाइनिंग है, जो कि हार्ट के बाहर वाले पार्ट में, तो एपिकार्डियम, यही स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई लाइनिंग जो है आपके इन वॉल्स पे भी प्रेजेंट है। ये जो वॉल है मायोकार्डियम, इन पे भी ये प्रेजेंट होती है। ठीक, ये देखो हम रेड पेन से मार्क कर रहे हैं, इन पे भी ये इन पे भी ये लेयर्स जो है मस्कुलर वाली लेयर्स पे भी प्रेजेंट होती है, जो कि किसकी बनी हुई होती है, फाइब्रस नहीं, अभी स्क्वैमस सेल्स की, अभी बताया ना फाइबर वाला पार्ट तो अलग है, स्क्वैमस सेल्स की बनी हुई होती स्टूडेंट। तो ये प्रेजेंट होती है आपकी मायोकार्डियम पे भी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कि सबसे अंदर वाला पार्ट है, तो इसको हम लोगों ने क्या कहा था, एंडोकार्डियम। यहाँ तक ही हम लोगों ने भी बात किया था। ठीक, तो ये तो हार्ट की वॉल हो गई, एपिकार्डियम एंड मायोकार्डियम मसल्स लेयर, एंडोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम एंड एपिकार्डियम आपकी किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स या स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई होती है। अब खास बात ये है स्टूडेंट्स कि ये जो रफेज है आपके जो मस्कुलर लेयर है हार्ट के अंदर इंडोकार्डियम में, ये जो है स्मूथ ना हो करके, प्लेन ना हो करके, अप डाउन का मतलब ऊपर नीचे करके, मतलब रफेज एरिया होती है। तो इसको भी स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, चलो यहाँ पे लिख लें, ट्रैबिक्यूला, यहाँ पे ये जो रफेज एरिया है अप डाउन वाला, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रैबिक्यूला, ट्रैबिक्यूला कार्ने, ओके, ट्रैबिक्यूला कार्ने कहा जाता है स्टूडेंट्स।
इसे क्या कहेंगे, रीजेस ऑफ फ्लैश कह सकते हैं, रीजेस ऑफ रीज होता है ना ये, रीजेस का मतलब वही जो हार्ट की मस्कुलर लेयर है वो आपकी स्मूथ ना होकर के क्या है अप डाउन है, तो ये रीजेस मतलब उसमें रीजेस निकली रहती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रीजेस ऑफ फ्लैश, ठीक है, रीजेस ऑफ फ्लैश या कॉलम्स ऑफ मसल्स, मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट है ना, तो मस्कुलर लेयर में, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कॉलम्स ऑफ मसल्स, ठीक। सेकंड बात आपकी ये हो गई, ओके। हमने क्या बताया स्टूडेंट्स अभी तक, देखो कुछ नहीं है, फोकस करो, मेरी तरफ फोकस करो, सब कुछ आपको एकदम इजीली समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपका एकदम फिंगर टिप पे रहेगा, केवल फोकस करो मेरी तरफ, ओके। स्टार्ट करते हैं, हमने क्या बताया कि आपकी जो हार्ट है, हार्ट की जो वॉल है जो कि हार्ट से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो जो एपिकार्डियम वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, वो हार्ट का क्या है आपका, जो बाहर वाला, एपी का मतलब बाहर होता है, बाहर वाला, लेकिन हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है ये, ये स्क्वैमस सेल्स, स्क्वैमस टिश्यूज की बनी हुई होती है एक वॉल, तो ये जस्ट उसके जो है हार्ट का मस्कुलर लेयर होता है, मसल्स की टफ कवरिंग होती है, मस्कुलर लेयर होता है, उसको हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं, ओके। मायोकार्डियम मसल्स लेयर, एंड मसल्स लेयर के अंदर भी जो है स्क्वैमस टिश्यूज की बनी हुई लाइनिंग होती है, उसको हम लोगों ने क्या बोला, एंडोकार्डियम। अब देखो स्टूडेंट, ये जो आपकी मायोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम जो मस्कुलर लेयर है वो स्मूथ ना होकर के, प्लेन में ना होकर के, ऊपर नीचे करके, मतलब उसमें रिजेज होती हैं, तो रिजेज होने की वजह से इसको कहते हैं स्टूडेंट ट्रैबिकुला कार्ने, ट्रैबिकुले कार्ने कहा जाता है इसको, ट्रैबिकुले कार्ने क्या होता है, रिजेज ऑफ फ्लैश या कॉलम्स ऑफ मसल्स, मसल्स की कॉलम्स या रिजेज ऑफ फ्लैश, यहां तक की अभी केवल बात हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब देखो आपका हार्ट में ये जो वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड लेफ्ट एट्रिया वॉल्व, इनमें इम्पोर्टेंट आपको ये जानना है स्टूडेंट्स कि ये जो वॉल्व होती है, ये जो वॉल्व, अब यही मसल्स देखो, ये मसल्स वाली लेयर इस हार्ट में भी रहेगी और इस हार्ट में भी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि हार्ट ही तो है। अब देखो हम इसमें नहीं बनाए हैं, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ओके, आपके लेफ्ट वाले पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो मसल्स की लेयर्स हैं, ये जो वॉल्व है, इन मसल्स, ये वॉल्व जो है इन मसल्स की लेयर से फाइबर्स के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, आपस में क्या रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, इन फाइबर्स के द्वारा आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। इनका देखो फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि ये जो वॉल्व है आपकी, ठीक है ना, वॉल्व है, वॉल्व का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मूवमेंट है, वॉल्व है आपका, वॉल्व आपका बंद भी होगा खुलेगा भी, तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग की मूवमेंट है उसको बैलेंस कौन करता है स्टूडेंट, ये जो फाइबर्स प्रेजेंट होती है जो कि आपके मस्कुलर लेयर्स से और ये वॉल्व से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहती है, दोनों को बीच में कॉन्टेक्ट किए रहती है, ठीक है, तो ये जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं यही आपके वॉल्व के ओपनिंग होने का एंड वॉल्व का क्लोजिंग होने की मूवमेंट को बैलेंस करती है, उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है ना, कब खुलना है एंड कब बंद होना है, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, लिख लो चलो, कार्डी टेंडनी, ये जो फाइबर्स हैं इसको कहेंगे कार्डी टेंडनी, यहां पे लिख ले कार्डी टेंडनी, कार्डी टेंडनी, कार्डी का मतलब ही होता है फाइबर, कार्डी का मतलब ही होता है क्या, धागे, तो ये धागे नुमा जो संरचना है जो कि आपके वॉल्व से और मस्कुलर लेयर से अटैच में रहती है, जो कि आपके वॉल्व के ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस को बैलेंस करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डी टेंडनी कहते हैं, ठीक। आप देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपके कार्डी टेंडनी है ना, ये जो आपके कार्डी टेंडनी है, ये इस वाले पार्ट में भी पाया जाएगा आपके और इस वाले पार्ट में भी, पहले आप इसका इतना अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, ओके। तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा, इम्पॉर्टेंट इसमें बस आपको ये है कि जो वॉल्व है, ठीक है,
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम इसका एक फ्लो चार्ट बनवा दे रहे हैं, ठीक है। उसके पहले एक बार कुछ रिवाइज कर ले रहे हैं कि जो वॉल्व है, वॉल्व आपकी प्रेजेंट होती है हार्ट के राइट एंड लेफ्ट जो अपर वाला पार्ट है एट्रियम, उसमें प्रेजेंट होती है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ब्लड का आउटवर्ड या ब्लड का बैकवर्ड मूवमेंट ना हो जाए। तो आपके जो राइट वाला पार्ट है उसमें तीन डोर है ना, तो तीन वॉल्व प्रेजेंट है, तो जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्राइकस्पिड कह देते हैं। एंड जो राइट वाला पार्ट है उसमें दो डोर है, या उसमें आपका जो वो है क्या कहते हैं, वॉल्व, दो वॉल्व है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बाइकस्पिड कह देते हैं, ठीक। सेकेंड बात ये बताया कि जो आपके हार्ट के वॉल्व्स हैं जो कि हार्ट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, तो उसमें जो आपका क्या कहते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम है, तो इंडोकार्डियम से और आपके जो वॉल्व है इनके बीच में कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसका काम ये होता है कि आपकी वॉल्व का कब ओपन होना है एंड आपकी वॉल्व का कब क्लोज होना है। तो वॉल्व की ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले मूवमेंट को ये ही बैलेंस करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस धागे नुमा संरचना को कार्डियोटेंडनी कहते हैं, ठीक। एंड आपको ये बताया गया कि जो आपका कार्डियोटेंडनी है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मायोग्लोबिन के रीजन पे प्रेजेंट होती है, ओके। यस स्टूडेंट, चलो तो आज का क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द कंडक्शन ऑफ हार्ट, ओके। कंडक्शन ऑफ हार्ट, अभी आपने ये जो हमने आपको अच्छे से कवर किया हुआ है, आप लोग अच्छे से उसको घर से रिवाइज करके आओगे, नोट्स बना के आओगे। एंड सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी लेक्चर्स अच्छे से समझ में आती है तो आप इसको जितना मतलब जितना हो सके उतना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे मोटिवेशन के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, कि ताकि हम आपको और ही अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड कर सके शॉर्ट टर्म में, आपका पूरा डिटेल एंड पूरा अच्छे से डीपली आपको कवर करें, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही। तो मतलब जो भी आपको नॉलेज मिल रही है, जो भी अच्छी नॉलेज आपको मिले, आप अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, क्योंकि भला सबका होना चाहिए, ठीक है। हाई एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, तो आप लोग हमारी हेल्प के लिए क्या करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अगर कोई मतलब कमी भी रह जाती है या नहीं समझ में आता टॉपिक्स, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो, ठीक है ना। थैंक्स ऑल ऑफ यू।